Assalamu alaikum. Welcome to this recorded video lecture. In this lecture, we are going to continue with our topic 3 on bolts and power screws. And we are switching gears a little bit. And we have seen bolts ke standards and sizes. Dekhe hain. And now we are going to move on to power screws. So power screws, mein what we will find is that they actually use a different type of thread. And this is necessary before we move on to bolted joints because उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम इसके अंदर develop करेंगे and then we are going to use them in the bolted joints. So first we need to cover the power screws and once we have done that and then we'll move on to bolted joints or with that we'll cover the topic. ठीक है तो probably this week we are going to work on power screws. अच्छा तो आपकी बुक के अंदर दिस टॉपिक इज रेफर्ड टू एज द मैकेनिक्स ऑफ पावर स्क्रूज और मैकेनिक्स ऑफ पावर स्क्रूज के ऊपर विल कम बट फर्स्ट व्हाट वी विल डू इज विल जंप व्हाट वी विल डू इज विल डू अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड ठीक है के पावर स्क्रूज वे आर द यूज्ड बेसिक थ्रेड प्रोफाइल्स क्या होती हैं एंड देन वी आर गोइंग टू जंप इन टू द मैकेनिक्स ऑफ द पावर स्क्रूज ठीक है तो पावर स्क्रूज होते क्या दे आर मेनली यूज टू ट्रांसमिट पावर एज द नेम इम्प्लाइज ठीक है आप या तो एंगुलर मोशन को ट्रांसलेशन मोशन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं एज इन अ लीड स्क्रू ठीक है या फिर आप किसी न किस्म की पावर ट्रांसमिट कर रहे होते हैं ठीक एग्जांपल्स इंक्लूड एप्लीकेशन इन वाइजेस प्रेसेस जैक्स लीड स्क्रूज ऑन अ लेथ मशीन एंड दिस इज प्रॉब्ली अ गुड फिगर टू शो दिस थिंग इज अ जैक और ये हो क्या रहा है देर इज गोइंग टू बी सम रोटेशनल मोशन इन दिस शाफ्ट विच इज गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड इनटू रोटेशनल मोशन इन दिस पर्टिकुलर शाफ्ट ठीक है तो दिस बोथ ऑफ दीज आर पावर स्क्रूज सही एनी स्क्रू डिजाइंड टू ट्रांसमिट पावर इज अ पावर स्क्रू ठीक है एंड दे आर इनहेरेंटली डिफरेंट फ्रॉम सिंपल बोल्ट्स ठीक है तो डिफरेंस ये आता है कि दिस इज अ नॉर्मल बोल्ट प्रोफाइल अब ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखी भी थी जब हमने स्टैंडर्ड्स की बात की थी इसमें से जिस चीज़ पे अभी हमने फोकस करना है दिस इज द थ्रेड एंगल विच इज 60 डिग्रीज राइट हेयर ठीक है ये थ्रेड एंगल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दिस 60 डिग्रीज इज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन स्टैंडर्ड एज वेल एज द मेट्रिक स्टैंडर्ड फॉर अ बोल्ट ठीक है ये 60 डिग्री जाता है फॉर बोथ द अमेरिकन एज वेल एज द मेट्रिक स्टैंडर्ड्स बट मसला ये है कि दिस एंगल एक्चुअली अफेक्ट्स योर एफिशिएंसी ठीक है तो जब पावर ट्रांसमिशन की बात आएगी तो द लार्जर एंगल मींस लोअर एफिशिएंसी और ये क्यों होता है कैसे होता है ऑल ऑफ दिस विल कम अप राइट नाउ वी जस्ट नीड टू एक्नॉलेज द फैक्ट दैट दिस एंगल इज इंपॉर्टेंट फॉर अस तो पावर स्क्रूज में करते क्या हैं इफ दिस एंगल इज एडवर्सली अफेक्टिंग अवर पावर ट्रांसमिशन तो व्हाट वी डू इज वी रिड्यूस दिस एंगल आइडियली व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू हैव अ जीरो एंगल हेयर तो एंगल किस साइड के बीच में था आपके इस लेफ्ट वाले फेस और राइट वाले फेस के बीच में एंगल है ठीक है तो अगर ये दोनों वर्टिकल हैं साइड्स तो द एंगल बिटवीन देम इज जीरो डिग्रीज दिस वन इज नोन एज अ स्क्वायर थ्रेड सही इनकी एक्चुअल इमेजेस भी हम देख लेते हैं इन रियल लाइफ किस तरह के होते हैं बट दिस इज जस्ट स्कीमेटिक राइट नाउ विच वी नीड टू अंडरस्टैंड ठीक अनदर टाइप ऑफ थ्रेड इज ACME थ्रेड अब ACME थ्रेड में एंगल है इट्स 29 डिग्रीज विच इज मच लोअर देन द 60 डिग्रीज ऑफ अ बोल्ट आइडियली यू वांट अ जीरो डिग्रीज एंगल ये सबसे अच्छा है बट द प्रॉब्लम इज कि दिस प्रोफाइल इज एक्चुअली नॉट वेरी इजी टू मैन्युफैक्चर ये शार्प एजेस आर नॉट इजी टू मैन्युफैक्चर मशीनिंग दिस एग्जैक्ट प्रोफाइल इज नॉट इजी बिकॉज यू नीड टू ब्रिंग इन अ वेरी स्मॉल टूल इन अ सर्टेन डेप्थ नाउ दिस थिंग can be very very small if you are talking about pitch of just a couple of millimeters then this thing is actually very small so iske andar exact square profile lena is not easy so what we do is we actually give a slight angle here it is possible to give this slight angle here and this angle what it does is it helps in manufacturing processes manufacturing mein help karega efficiency ko thoda sa compromise karega but not as much as a bolt So these are easier to manufacture. So these are also widely used. एक और type है which is not discussed in the book but उसकी मैंने image अगले slide के अंदर add की हुई है
वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड, चाहे वो स्क्वायर थ्रेड्स हों चाहे वो ए सी एम ई थ्रेड्स हों, आपकी बुक के अंदर ए सी एम ई थ्रेड्स के डायामीटर्स और पिचेस गिवन है, स्क्वायर थ्रेड्स की भी आपको मिल जाएंगी, जस्ट विकीपीडिया स्क्वायर थ्रेड प्रोफाइल्स, यू आर गोइंग टू गेट द स्टैंडर्ड फॉर द स्क्वायर थ्रेड्स एज वेल। ठीक, एक पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम आवर डिस्कशन ऑन बोल्ट्स, हमने कहा था कि फॉर बोल्ट्स आवर स्टार्टिंग थ्रेड प्रोफाइल वॉज लाइक दिस एंड देन वी ट्रंकेटेड इट टू समथिंग लाइक दिस। इसको करने से फ़र्क ये पड़ा कि हमारा जो पिच डायामीटर था, दिस वॉज द एवरेज ऑफ लेट्स से D1 एंड D2, बट दिस इज नो लॉन्गर द एवरेज ऑफ योर मेजर डायामीटर एंड योर माइनर डायामीटर। DP विच इज समवेयर हेयर इज नॉट इक्वल्स टू D+DR/2। सही। अब स्क्वायर थ्रेड्स के अंदर ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज स्क्वायर शेप जो है दैट इज ऑलरेडी अ कंप्लीट स्क्वायर प्रोफाइल। इसका मेजर डायमीटर इज हेयर, माइनर डायमीटर इज हेयर, दिस इज वी आर नॉट ट्रंकेटिंग इट इन एनी वे। सो द पिच डायमीटर इज एक्चुअली जस्ट द मीन डायमीटर। तो जो आपका पिच डायमीटर है इसको हम लोग मीन डायमीटर भी कहते हैं, और मोस्टली आपकी बुक के अंदर इसको मीन डायमीटर ही कह रहे होंगे। इफ़ यू गो टू द बुक बाय नॉर्टन, जो हमारी रेफरेंस बुक है, उसके अंदर इसको DP कह रहे होंगे, आपकी बुक में DM कह रहे होंगे। एंड फॉर आवर स्क्वायर थ्रेड्स दिस इज सिंपली D+DR/2। सो कैलकुलेटिंग द पिच डायमीटर और द मीन डायमीटर फॉर अ स्क्वायर थ्रेड इज मच ईजियर। ठीक है, इट्स जस्ट द एवरेज ऑफ द मेजर एंड द माइनर डायमीटर। सही हो गया। सो आगे चलते हैं। These are actual images of screws present in car jacks. ठीक है, तो square profile, you can see this, the cross section is actually square. सही, although helix अभी भी है, there is still a helix going on. But at any given point, अगर आप इसका cross section लेंगे तो the cross section is square. ठीक, और वो एक certain angle के ऊपर rotate हो रहा है, that angle we call the lead angle. उस पर हम भी आते हैं, discuss करते हैं उसको, but the cross section is square. इसी की एक variation और है which can also help in manufacturing, that is called the buttress thread. अब buttress thread में क्या कर रहे हैं, what is the idea behind it? The idea is that the actual load is borne on this side. ठीक है, यहाँ पर load पड़ा है, तो if this side is flat we are good. ठीक है, तो ये slide flat है, या फिर इसको बहुत minor से angle भी दिया जा सकता है in certain applications buttress thread में, बट द अदर साइड वी कैन एक्चुअली गिव अ लार्जर एंगल। तो इसको हम यहां पे बहुत बड़ा एंगल प्रोवाइड कर दें। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इस जगह पे जो ओपनिंग हमें मिल रही है, दिस ओपनिंग इज वेरी लार्ज एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज इजियर टू पुट अ टूल हेयर टू एक्चुअली मशीन दिस थिंग। ठीक है, इट इज एक्चुअली इजियर टू पुट अ टूल हेयर, इट रोटेट्स एंड मिलिंग वगैरह के प्रोसेस से यू कैन एक्चुअली मशीन दिस थ्रेड मच ईजियर। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करेगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द एफिशिएंसी, बिकॉज आपका जो लोड बेयरिंग सरफेस है दैट इज स्टिल फ्लैट। ठीक हो गया। एक और फायदा भी इसका होता है, वो फायदा ये होता है कि इफ यू हैव द सेम पिच ऑफ दीज थ्रेड, यानी कि मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक का पिच सेम है, तो लेट्स से दीज आर बोथ पी, इफ आई हैव दिस लेंथ एक्स is actually much smaller than this length X2. क्यों? क्योंकि आपने इस साइड को, अगर मैं यहाँ से इस को भी पूरा कवर कर दूँ तो मेरी ये लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, एंड दिस इंक्रीज लेंथ इज एक्चुअली गोइंग टू प्रोवाइड मी अ लार्जर एरिया टू अपोज द शेयरिंग इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स। ये फोर्स मेरे थ्रेड्स को अगर शेयर करने की कोशिश कर रही होगी तो हैव अ लार्जर लेंथ हेयर विच कैन अपोज द शेयरिंग इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स F. ठीक है, तो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन द स्ट्रेंथ ऑफ द थ्रेड एज वेल। ठीक है, तो बटरस थ्रेड इज एक्चुअली वेरी गुड। हम लोगों की बुक के अंदर द ओनली एप्लीकेशन प्रेजेंट इज ऑफ द स्क्वायर थ्रेड। ठीक है, तो वी विल फोकस ऑल अवर अटेंशन ऑल अवर कैलकुलेशंस ऑन द स्क्वायर थ्रेड प्रोफाइल। सही है, तो विद दिस स्मॉल इंट्रोडक्शन व्हाट वी वांट टू डू नाउ इज वी वांट टू मूव ऑन टू द मैकेनिक्स ऑफ अ पावर स्क्रू and we'll specifically focus on the square threads. ठीक है,
So let's look at what we want to do. What we want to do essentially is we want to do a force analysis of this thing. A force analysis ke andar, what we actually want to do is we want to see that if I want to lift a certain force F, power screw kar kya rahoga? Power screw ke upar koi na koi load laga hoga. For example, the body of a car beside ek wheel ke saath mein aapne car ko lift karna hai, to aapka screw jab car ki body ko touch karega, uske upar load apply ho raha hoga. आपके स्क्रू का पर्पस क्या? आपके स्क्रू का पर्पस ये है कि उसने कार बॉडी को उस साइड से लिफ्ट करना है, तो उसने कोई लोड बेयर करना है. आवर ऑब्जेक्टिव इज दैट इफ यू वांट टू लिफ्ट लेट्स से दिस मच फोर्स, हाउ मच टॉर्क डू आई नीड टू अप्लाई हेयर. ठीक है, राइजिंग टॉर्क, हाउ मच टॉर्क टी आर डू वी नीड टू अप्लाई हेयर सो दैट आई कैन एक्चुअली लिफ्ट दिस फोर्स एफ, विच कैन बी एनी लोड, विच कैन बी अ कार्स बॉडी और एनी अदर टाइप ऑफ लोड दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन अ पावर स्क्रू. ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई. दूसरी चीज़ यह है कि इसको करने का हमारा तरीक़ाकार क्या होगा. करने का तरीक़ाकार हमारा ये होगा कि वी आर गोइंग टू एक्चुअली अनरेवल दिस थ्रेड. हम लोग एक सिंगल 360 डिग्रीज का थ्रेड लेंगे, जैसे तो उसमें जैसे चार दफ़ा ये रेवोल्यूशन कर रहा है ना हमारे पास एटलीस्ट. तो वट वी वॉन्ट टू डू इज वॉन्ट टू जस्ट पिक, इसके पीछे क्या होगा, इसके पीछे यहाँ पे भी थ्रेड है, so there is thread here as well, then there is thread which is connecting this to this side, sahi hai na, piche se. What we want to do is we want to pick a single 360 section of this thread aur usko main unravel karke straighten kar dunga aur us inclined plane mere paas ek banegi which will just see, aur us inclined plane ke upar we are going to carry out our entire analysis. That will be much easier than working with revolving threads like this. ठीक है, तो हमारे पास by the way क्या क्या diameters हैं. हमारे पास एक mean diameter है which is the pitch diameter here, we have the root diameter and we have the major diameter d as well. सही है, ये हमारे सारे diameters हैं. हमारे पास दो angles होते हैं किसी भी helix के अंदर, एक को हम कहते हैं हीलिक्स एंगल और दूसरे को हम कहते हैं लीड एंगल. ठीक है, अब होता क्या है, हीलिक्स एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ द हीलिक्स. इससे जो मेरी थ्रेड की प्रोफाइल का जो ये साइड का जो एंगल बन रहा है ना, दिस एंगल इज नोन एज द हीलिक्स एंगल. और अगर मैं एक्सिस का परपेंडिकुलर ले लूँ, ठीक है, तो लेट मी जस्ट क्लीन दिस अप अ लिटिल बिट, दिस थिंग इज नॉट गुड. अगर मैं इस एक्सिस जो मेरा जा रहा है इसका परपेंडिकुलर ले लूँगा, दिस एंगल इज नोन एज द लीड एंगल. ठीक है, तो हम मोस्टली विल वर्क विद लीड एंगल्स, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड के हेलिक्स एंगल एंड लीड एंगल्स कंबाइन करके दे गिव दिस प्लस दिस, दीज टू व्हेन यू ऐड देम टुगेदर यू गेट 90 डिग्रीज. ठीक है, तो आपको अगर एक पता हो तो आप दूसरा निकाल सकते हैं. वी विल पर्सनली यूज lead angles in our calculation. ठीक है, this is just a choice. Now, what do? We pick one 360 section. लेट्स से मैंने यहाँ से लेके ये वाला जो सेक्शन था ये, और इसके पीछे जो ये सेक्शन आ रहा था ये पिक किया, और इस 360 सेक्शन को उठा के आई हैव स्ट्रेटन्ड इट अप. तो व्हेन आई स्ट्रेटन इट अप आई गेट समथिंग लाइक दिस. ठीक, अब इसको समझने की जरूरत है कि हो क्या रहा है. हो ये रहा है कि दिस इज ए सिंगल स्टार्ट थ्रेड फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, एक हीलिक्स है जो रिवॉल्व कर रहा है, जो इसकी पिच है वही इसकी लीड भी है. इफ़ यू रिमेंबर, लीड वॉज इक्वल टू एन पी, एन बींग द नंबर ऑफ पैरेलल हीलिक्सेस जो साथ में चल रहे हैं. इस केस में देर इज जस्ट वन, तो एल बिकम्स इक्वल टू पी. The angle of this inclined plane is same throughout. तो ये जो angle है, this angle is lambda and this is same throughout the thread. This does not change. Lead angle is a property of the helix and it remains the same throughout. ठीक है, तो lead angle is the same angle here. This is lambda. ठीक हो गया. इसकी total length कितनी होगी? अब if you see, आप जब इसको straighten करेंगे तो आप इसको इस पॉइंट से देखेंगे, देर आर एक्चुअली देर इज अ स्क्वायर प्रोफाइल हियर, राइट. तो एक रूट डायमीटर भी है, एक मेजर डायमीटर भी है, और एक इसके मीन डायमीटर भी है, जिसपे मैं इफ आई ड्रॉ अ हीलिक्स लाइक दिस
Essentially what I'm doing is I'm drawing the mean diameter और उसके ऊपर मैं एक स्क्वायर प्रोफाइल रख के रिवॉल्व कराऊंगा तो मेरे पास पूरा थ्रेड फॉर्म हो जाएगा, सही है ना। तो हम लोग जब भी लेंथ मेजर कर रहे होंगे इसमें तो वी विल मेजर द लेंथ एट द मीन डायामीटर। तो इस पूरे हेलिक्स की लेंथ कितनी होगी जो मैंने यहाँ पे अभी अनरेवल किया है, तो अगर मैं इसको टॉप सरफेस से देख रहा हूँ क्या हो रहा है, तो एसेंशियली ये यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर ये यहाँ जा रहा है और फिर ये यहाँ तक आ रहा है। टॉप से मैं देखूँगा तो इट इज़ एक्चुअली गोइंग लाइक दिस एंड एंडिंग हेयर। साइड व्यू थोड़ा सा मैं देखूँगा तो इट इज़ गोइंग लाइक दिस, ठीक है। बट इसको मैं अगर टॉप व्यू देखूँगा तो टॉप से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बिल्कुल एडजेसेंट है, ऑल्दो ये दोनों मीट नहीं कर रहे, ये इस साइड पे दिस इज़ लोअर एंड दिस साइड इज़ एक्चुअली हायर, ठीक है, क्योंकि आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं ना। बट टॉप से देखने में इट अपीयर्स टू बी अ सर्कल, सही हो गया। तो अब अगर मुझे इस सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना है तो फर्स्ट आई नीड टू आइडेंटिफाई कि मैं क्या डायामीटर ले रहा हूँ। वी आर सेइंग दैट द डायामीटर दैट वी आई वांट टू टेक इज द मीन डायामीटर। तो मीन डायामीटर अगर मैं ले रहा हूँ तो सर्कमफेरेंस बिकम्स पाई डी, राइट, टू पाई आर या पाई डी। तो सर्कमफेरेंस हेयर इज पाई डी एम। तो जो सर्कमफेरेंस है एसेंशियली अगर इसको पूरी सर्कल को स्ट्रेटन कर दूंगा तो सर्कमफेरेंस इज द एंटायर लेंथ, राइट। तो दिस इज द दिस थिंग इज नॉट स्ट्रेट इन अवर केस, ये एक एंगल के ऊपर है, वो एंगल हमारे पास लैम्डा आ गया। तो हमारे पास जो डायमेंशन इंपॉर्टेंट थी इस केस में वो ये हॉरिजॉन्टल लेंथ इज एक्चुअली पाई डी एम, the vertical distance is l equals to p and the angle is lambda। ab isme ek question aapke zehen mein aa raha hoga ki why did we not take this thing to be pi dm, why not this। uski wajah ye hai ki humne helix ko open karke pi dm nahi nikala, humne top view ko open kiya, theek hai। to top view mein hame circle mil raha tha जो एक्चुअल थ्री डायमेंशन में, तो हमारे पास एक हीलिक्स है। तो जो हीलिक्स है द हीलिक्स सर्कमफेरेंस इज नॉट पाई डी, हम सर्कल का सर्कमफेरेंस ले रहे हैं। तो वी आर ओनली लुकिंग एट द टॉप व्यू, टॉप व्यू से हमें हाइट नज़र नहीं आ रही, हमें सब कुछ एक सिंपल फ्लैट सरफेस पे नज़र आ रहा है। तो अगर हम टॉप व्यू से देखेंगे तो वी आर नॉट एक्चुअली लुकिंग एट द चेंज इन हाइट, वी आर जस्ट लुकिंग एट द शेडो दैट दिस थिंग विल फॉर्म ऑन द ग्राउंड। और इस शेडो को जब मैं स्ट्रेच आउट करूंगा दैट विल बी पाई डी एम, सही है। तो हम सिर्फ ग्राउंड पे प्रोजेक्शन को पाई डी एम कह रहे हैं, वी आर नॉट कॉलिंग द लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन टू बी पाई डी एम। तो दिस थिंग इज समथिंग वी नीड टू बी अवेयर ऑफ कि हम पाई डी एम किस लेंथ को एक्चुअली कह रहे हैं। पाई डी एम इज दिस हॉरिजॉन्टल लेंथ हियर, वर्टिकल लेंथ इज पी एंड द एंगल इज लैम्डा। ओके, मूविंग ऑन, हमने करना क्या है, हमने करना ये, हमने दो सिनेरियो स्टडी करना है। पहला सिनेरियो ये है कि वी वांट टू स्टडी व्हाट हैपेंस इन केस व्हेन वी वांट टू लिफ्ट द लोड एंड द सेकंड केस इज व्हेन वी वांट टू लोअर द लोड। जब हम लोड को लिफ्ट कर रहे होंगे, अब हम इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्क्रू इटसेल्फ। स्क्रू में आप फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, स्क्रू पे आप टॉर्क अप्लाई करेंगे। बट इन अ प्लेन इफ आई हैव, लेट्स से आई हैव a load placed here and would push this load up, make force apply kar sakta, so that force we are calling pr। pr is the force needed to rise the load, to rising force jo hai that is pr। isi tarike se jo lowering force hai that is pl, that is a separate case, we'll talk about this separate, theek hai। to pr hum apply karenge in order to lift the load, force f is the actual load we are trying to lift, तो उसके ऑपोजिट में काम हो रहा है, F is acting downwards। सरफेस के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा है, दैट इज N। सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी बिकॉज दिस पावर स्क्रू इज गोइंग टू हैव फ्रिक्शन, ठीक है। तो वो फ्रिक्शन जो है वी आर कॉलिंग Fn। अब हमें बुक की कन्वेंशन थोड़ी सी ऑड है इस चीज की, हम लोग यूजली म्यू यूज करते हैं फॉर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन,
दिस थिंग इज रेफर्ड टू एज स्मॉल एफ इन द बुक. तो वी विल स्टिक विद व्हाट द बुक इज डूइंग. ठीक है, तो म्यू इज एक्चुअली द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज एक्चुअली एफ हियर. तो दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट. सही हो गया. एन इज द नॉर्मल फोर्स विच इज दिस. सही है. एंगल इज लैम्डा विच इज द लीड एंगल. दिस इज द लीड इटसेल्फ. एक्स और वाई एक्सिस बने हुए हैं. What we want to do is we want to actually solve summation of forces in this thing. ठीक है, and we want to see कि PR कितना required है minimum. PR कितना required है कि मैं system में जितने भी opposite forces हैं उन सब को overcome कर लूँ. ठीक है, when everything is in static equilibrium, मेरा PR थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा उससे तो I'm going to start moving. सही. तो I want to just see कि system को में जो भी अपोजिंग फोर्सेस हैं फ्रिक्शन की एंड द लोड एफ, इनको ओवरकम करने के लिए मुझे कितना पीआर रिक्वायर्ड है. तो दिस इज, सो वी वाज स्टिल अप्लाइंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. ठीक हो गया. तो हमने अपने एक्सिस बनाए हुए, एक्सिस के ऊपर वी कैन ड्रॉ ऑल ऑफ अवर फोर्सेस. अब जो हमारी फोर्सेज हैं इनमें वी नो दैट दिस एंगल राइट हेयर इज लैमडा, बट दिस एंगल इज ऑल्सो लैमडा. ऐसा क्यों है? अगर आपके पास कोई भी दो साइड्स हैं x और x2, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो अगर मैं इन दोनों के नॉर्मल्स ड्रॉ कर दूंगा ना y और y2, इनके एंगल भी थीटा ही होगा. अगर दो लाइनों का एंगल थीटा है तो दोनों के परपेंडिकुलर्स के बीच में भी सेम एंगल होगा. तो हमारे पास यहाँ पे x और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में एंगल लैम्डा था, तो फ्रिक्शन का परपेंडिकुलर हो गया नॉर्मल और x का परपेंडिकुलर हो गया y, तो इन दोनों के बीच में भी सेम एंगल लैम्डा आएगा. ठीक है, तो अब मेरा पर्पज़ ये है कि मेरा अगला काम ये करना है, मैंने समीशन एफ एक्स और समीशन एफ वाई लिखना है. तो उसके लिए मुझे आइडेंटिफाई करना है एक्स में कौन सी फोर्सेज लग रही हैं, वाई में कौन सी फोर्सेज लग रही हैं. एक्स में मेरे पास पी आर लग रहा है, वाई में मेरे पास एफ लग रहा है. एफ एन का एक्स वाई दोनों कॉम्पोनेंट होंगे, इसी तरीके नॉर्मल फोर्स के भी एक्स वाई दोनों कॉम्पोनेंट्स होंगे. एंगल के साथ वाली साइड कॉस होती है, तो दिस बिकम्स एफ एन कॉस लैम्डा. सिमिलरली दिस बिकम्स n cos lambda, this becomes fn sin lambda and this becomes n sin lambda. ठीक है, तो this becomes your x, this becomes y force, this becomes y force, this becomes x force. We can write summation fx and we can write summation fy. ठीक है, दोनों लिख लें summation fx summation fy, क्योंकि equilibrium है, दोनों चीजें जीरो के बराबर हैं. We have two equations and what we want to do is we want to find out some relationship for PR. Sahi hai? A similar exercise can be done to get a relationship for this case as well. So, is case ke liye bhi aap same kaam kar sakte hain. Isme kuch bhi naya nahi ho ra. We still have a lambda here, a lambda here. The only difference is ki kyunki ab aap lower karna chah rahe hain, to aapki PL left direction mein act kar rahi hai. और फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट होता है. तो इफ योर बॉडी इज लाइक दिस एंड इट इज ट्राइंग टू मूव डाउन, तो फ्रिक्शन इज एक्टिंग अप. द ओनली थिंग चेंजिंग इज कि आपके फ्रिक्शन का साइन चेंज हो रहा है और आपकी पीएल का साइन चेंज हो रहा है, बाकी दोनों फोर्सेस का साइन सेम है. यू कैन राइट अ सिमिलर सेट ऑफ इक्वेशंस फॉर लोअरिंग लोड. ठीक है, आई गेट बैक टू द रेजिंग कंडीशन. ठीक है, वी डोंट वॉन्ट टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन द लोअरिंग पार्ट बिकॉज द पर्पज हियर इज नॉट एक्चुअली टू see what the detailed derivation is. Hame derivation samajh nahi hai, we need to understand where it gets from, but that is not the main objective here. We need to learn the applications of these equations. Theek, to agar hum wapas equations pe aa jate hain, to agar hum apni equation ke andar se pr ki koi relationship nikalna cha rahe hain, whatever objective is, we want to see ke mujhe फोर्स लोड जो है और फ्रिक्शन फोर्स जो है, इन दोनों को ओवरकम करने के लिए कितना पी आर अप्लाई करना पड़ेगा. दैट इज द आइडिया. तो वट आई कैन डू इज आई कैन एलिमिनेट द थर्ड फोर्स विच इज नॉट नीडेड. हमारी रिलेशनशिप किसके बीच में? पी आर, एफ और एफ एन. ठीक है, तो इफ आई कैन एलिमिनेट एन फ्रॉम ऑल इक्वेशन, आई गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन फ्रिक्शन स्मॉल एफ, between the load capital F and the applied force PR. तो हम करेंगे क्या, हम इन दोनों equations में से we can simply find out what is N. सही है,
तो मैंने दोनों इक्वेशंस में से एन निकाल लिया, इन दोनों इक्वेशंस को आई कैन इक्वेट एंड व्हेन आई इक्वेट देम एन एलिमिनेट हो जाएगा एंड आई विल गेट अ रिलेशनशिप फॉर पी आर। तो मैंने इक्वेट कराया पी आर से, इसको उठा के मैं दूसरी तरफ ले गया अपियरिंग हेयर, ठीक है। तो वॉट आई फाइंड इज पी आर इक्वल्स टू दिस एंटायर थिंग मल्टीप्लाइड बाई साइन लैम्डा प्लस एफ कॉस लैम्डा विच इज ऑल्सो रिटन हियर। तो पी आर की इक्वेशन यहाँ से निकल के आ रही। अ सिमिलर एक्सरसाइज कैन बी डन फॉर पी एल बट दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव हेयर, तो यू कैन ट्राई एंड डू दिस बट वील मूव ऑन, सही है। तो पी आर के लिए हमने करके देख ली, वी नो हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम, बट यू कैन ट्राई एंड डू दिस अ सिमिलर एक्सरसाइज फॉर पी एल एज वेल, सही हो गया। नाउ पी आर इस सिस्टम पे अप्लाई कैसे हो रहा है? पी आर सिस्टम पे इन रियलिटी क्या हो रहा है? पी आर इज अप्लाइंग जस्ट लाइक दिस। अब ये दिस इज नॉट अ डायगनल फोर्स इन टू डायमेंशन, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सिस सिस्टम ड्रॉ किया हुआ। दिस फोर्स इज एक्चुअली इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको आप 3D में विजुलाइज करने की कोशिश करें कि दिस इज नॉट ऑन द प्लेन, दिस इज इन द थर्ड डायरेक्शन। इस स्क्रू के ऊपर हॉरिजॉन्टली, अगर इस स्क्रू के अगर आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे ना किसी भी जगह पे, तो उस क्रॉस सेक्शन के अंदर एक फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स का कपल अप्लाई हो रहा है, पी आर कपल है, ठीक है। और ये कपल क्या काम कर रहा है? दिस इज ट्राइंग टू रोटेट दिस थिंग, ठीक है। अब ये जो रोटेशन होगी, दिस इज गोइंग टू कॉज द स्क्रू टू मूव अप एंड डाउन डिपेंडिंग कि मैं किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। उससे आइदर मेरा स्क्रू ऊपर की तरफ मूव करेगा या मेरा स्क्रू नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। कैन वी अप्लाई दिस फोर्स ऑन अ स्क्रू? वी कैन नॉट एक्चुअली डू दिस। तो हम लोग इन रियलिटी क्या करते हैं? हम लोग इन रियलिटी वी अप्लाई अ टॉर्क ऑन द सिस्टम विच इन दिस केस वी विल कॉल टी आर, सही है। तो पी आर हमारे लिए मीनिंगलेस है। पी आर हमारे पास एक सिर्फ फिक्टिशियस फोर्स है विच वी विल यूज टू एक्चुअली गेट टू टी आर विच इज एक्चुअली द रियल क्वान्टिटी वी नीड, सही। तो हमने पी आर निकाल लिया, बट वी नीड टू समहाउ कन्वर्ट दिस पी आर इन टू अ टॉर्क विच इज द एक्चुअल मीनिंगफुल क्वान्टिटी फॉर अस, कि लोड को लिफ्ट करने के लिए मुझे कितना टॉर्क अप्लाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गई बिटवीन पी आर एफ, पी आर कैपिटल एफ स्मॉल एफ, और इसके अंदर एंगल लैम्डा भी आ रहा था। हमारे पास ये इंक्लाइंट सरफेस था, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज यूजिंग द सेम ट्रायंगल जो मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया है, हमने कहा था कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है इसकी वो सर्कमफेरेंस था, जो प्रोजेक्शन प्रोजेक्टेड सर्कल था ग्राउंड पे, जो सर्कल की प्रोजेक्शन बन रही थी दैट वाज पाई डी एम, और मेरे पास जो हाइट थी इस ट्राइंगल की दैट वाज एल। तो इफ आई वांट टू राइट अ रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एल एंड डी एम, दैट रिलेशनशिप वुड बी टेंजेंट लैम्डा इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाई पाई डी एम, सही है। टेंजेंट थीटा की रिलेशनशिप आ गई। अब व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डिवाइड द एंटायर थिंग विद कॉस। तो मैं अगर इधर भी कॉस लैम्डा से डिवाइड करा दूं, इधर भी कॉस लैम्डा से डिवाइड करा दूं, इधर भी, एंड आई डू दिस इन द लोअर इक्वेशन एज वेल, इक्वेशन डी के अंदर भी मैं सेम काम करूं, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज दिस बिकम्स टेंजेंट, दिस बिकम्स वन, दिस बिकम्स टेंजेंट एंड दिस बिकम्स वन, सही है। तो जहां भी टेंजेंट आ रहा है आई कैन रिप्लेस दिस विद L अपॉन पाई डी एम। अब इसको करने का हमें फायदा क्या हुआ? हमें फायदा ये हो रहा है कि हम लोगों ने एंगल वाली क्वांटिटी को रिप्लेस करा दिया इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ठीक है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। दीज आर ऑल सेम क्वांटिटीज, ये और कुछ भी नहीं है, दिस इज एग्जैक्टली द सेम क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक इक्वेशन एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपको लीड एंगल पता है, जस्ट यूज दिस, दिस इज द सेम एज दिस, सही। अगर एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपको डायमेंशंस पता है लीड एंगल नहीं पता, तो यू कैन फाइंड आउट द लीड एंगल एंड यूज दिस, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट, और इंस्टेड यू कैन जस्ट यूज दिस रिलेशनशिप, दिस इज ऑल्सो फाइन। तो ये सेम फॉर्मूले की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक चीज यूज नहीं कर सकते दूसरी यूज कर सकते, दैट इज नॉट हाउ वी आर डूइंग दिस, ठीक। तो इफ इन सम केस यू वॉन्ट टू डायरेक्टली यूज द एंगल रिलेशनशिप यू कैन यूज दैट,
इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. हम सिर्फ चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं सो दैट वी कैन ब्रिंग देम टू अ स्टेट जिसमें डायरेक्टली हम डायमेंशंस की फॉर्म में चीज़ें डिफाइन कर सकें. क्योंकि किसी भी सिस्टम का हमें मोस्ट लाइकली क्या पता होगा, हमें उसकी पिच पता होगी, हमें उसके डायमीटर्स पता होंगे. तो इट इज़ ईजियर टू यूज़ दिस, क्योंकि लीड जो है वो पिच का ही फंक्शन होता है, एनपी होता है लीड. तो हमें हमारे लिए ये निकालना मोस्ट लाइकली ज़्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू लैम्डा. बट इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ द रिलेशनशिप फॉर लैम्डा यू आर फ्री टू यूज़ दिम. सही हो गया. अच्छा अब हम आते हैं टॉर्क के रिलेशनशिप्स के ऊपर. टॉर्क क्या है? टॉर्क में ये हो रहा है कि हमारे पास पी आर फोर्स अप्लाई हो रही थी सिस्टम के ऊपर, पी एल भी अप्लाई हो रहा था. ठीक है, तो बोथ कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट रोटेशन प्रोड्यूस कर रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल पी आर आपके सिस्टम को इस तरीके से रोटेट करा रहे हैं और पी एल आपके सिस्टम को इस तरीके से रोटेट करवा रहे हैं. सही है, दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू. अब वट एल्स डू वी नीड टू नो, दिस आई नीड टू ड्रॉ दिस बेटर. जी मुझे डिलीट कर देनी चाहिए थी, मैंने की नहीं. तो असेंशली वॉट यू हैव इज कि आपके पास जो भी इसका सर्कमफेरेंस बन रहा है, दैट इज जो सर्कल बन रहा है उसका डायमीटर डीएम है. सेंटर से जो रेडियस बन रहा है, दैट रेडियस इज डीएम डिवाइडेड बाय टू. फोर्स अप्लाई हो रही है पी आर. सही है, तो हमारे पास टॉर्क कितना अप्लाई होगा? टॉर्क इज फोर्स टाइम्स रेडियस. मैं और मैं वेक्टर्स नहीं बोल रहा, मैं स्केलर क्वांटिटीज बोल रहा हूं. तो दिस इज नॉट अ क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज जस्ट अ मल्टीप्लाइंग साइन. एफ टाइम्स आर, एफ इज पी आर, द रेडियस इज डी एम डिवाइड बाई टू. प्लग इन द एंटायर फंक्शन दैट वी डिराइव फॉर पी आर. पी आर का पूरा फंक्शन हमने प्लग इन कर दिया. द ओनली एडिशनल टर्म दैट इज कमिंग अप इज दिस डी एम डिवाइड बाई टू. सही, दीज रिलेशनशिप्स आर देयर टू एक्चुअली कैलकुलेट the torques needed to lift the load. This is to go up and this is to go down. This is to lower the load. सही है, दोनों की हमारे पास relationships निकल के आ गई हैं. किन किन चीज़ों पर depend करते हैं torques? आपका load कितना है, the amount of load you have, to this F. आपकी dimensions पे DM के ऊपर, DM is a function of major and minor diameters. आपके system का lead कितना है, lead is a function of the number of parallel threads. कितने स्टार्ट्स हैं, एंड द पिच. एफ इज द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, ये क्वांटिटीज हैं विच आर नीडेड टू एक्चुअली कैलकुलेट कि आपके पास राइजिंग टॉर्क कितना होगा और लोअरिंग टॉर्क कितना होगा. ठीक, इसमें एक पॉइंट हमने अभी देखना है, वो पॉइंट ये देखना है कि व्हेन यू एक्चुअली कंसिडर द फैक्ट, व्हेन यू आर when you have a screw jack for a car and when you lift the tire, एक point तक अपने wheel को lift कर लेते हैं and you leave the screw jack, आप उस पर force लगाना बंद कर देते हैं, it does not come down on its own. ठीक है, this condition is known as a self-locking condition. कि आपका जो screw jack है that is self-locking and that is a very important property for us. अगर आपका screw jack self-locking नहीं होगा, then you will need to constantly apply a force in order to keep it there. या फिर आपको किसी किस्म की brake apply करनी पड़ेगी, कोई clip होगा या कोई चीज़ होगी जो आपको फंसानी पड़ती उसको वहाँ पर रोकने के लिए. हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, when we just leave it and it stays there. हमें जब गाड़ी को नीचे करना होता है, we actually have to apply a force to lower the wheel. That torque that we are applying is actually the lowering torque, PL. और जब आप गाड़ी के टायर को लिफ्ट कर रहे होते हैं, दैट इज द राइजिंग टॉर्क. एंड इफ यू एज यू अंडरस्टैंड प्रॉब्ली एंड यू एक्सपीरियंसड इट, द राइजिंग टॉर्क इज अ लॉट मोर देन द लोअरिंग टॉर्क नॉर्मली. बिकॉज लोअरिंग टॉर्क में आपके पास एफ जो होता है वो सेम डायरेक्शन में काम कर रहा होता है. तो अगर मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है इंक्लाइंड प्लेन में, दिस एफ इज देयर और मुझे जब इसको लिफ्ट करना है, तो दिस एफ इज एक्चुअली एक्टिंग अगेंस्ट द मोशन. मैंने ऊपर जाना है जब, बट जब मुझे इसको नीचे लेके आना है, तो मैं पी एल तो अप्लाई कर रहा हूँ, पी एल पुश कर रहा हूँ. द ओनली ऑपोजिशन हेयर इज द फ्रिक्शन फोर्स. एफ भी इसको नीचे पुश करने की कोशिश कर रहा है और पी एल भी इसको नीचे पुश करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, तो द ओनली ऑपोजिशन व्हेन लोअरिंग इज द फ्रिक्शन फोर्स. तो टी एल इज गोइंग टू बी अ लॉट लोअर देन टी आर.
हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वॉट इज दैट एक्चुअल कंडीशन, जो हमारे पास ये सेल्फ लॉकिंग की कंडीशन है वो क्या है, हाउ डू वी नो वेदर अवर स्क्रू अवर पावर स्क्रू इज सेल्फ लॉकिंग और नॉट। उसकी कंडीशन हमारे पास इस रिलेशनशिप से निकल के आए, ठीक है। तो लेट्स लुक एट दिस एंड आफ्टर दैट वी हैव जस्ट वन मोर स्लाइड विच इज ऑन एफिशिएंसी एंड देन वी आर डन। तो सेल्फ लॉकिंग कंडीशन इज कमिंग फॉर आवर फ्रॉम आवर TL रिलेशनशिप, और TL इज एक्चुअली द टॉर्क रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड। अगर आपको ये लोड खुद से अप्लाई करना पड़ रहा है ना, देन दिस मीन्स द सिस्टम इज सेल्फ लॉकिंग, यू आर अप्लाइंग सम फोर्स टू एक्चुअली लोअर इट। लेकिन अगर आपको सिस्टम को ऊपर होल्ड करने के लिए टॉर्क अप्लाई करना पड़ा है, यानी आपको नेगेटिव TL अप्लाई करना पड़ा है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको टॉर्क अप्लाई करना पड़ा है जस्ट टू होल्ड इट इन इट्स पोजिशन। अगर आपका TL नेगेटिव आ रहा है, दिस मीन्स कि आपका सिस्टम सेल्फ लॉकिंग नहीं है एंड द सिस्टम विल लोअर इटसेल्फ। अगर पॉजिटिव टॉर्क आ रहा है आपका TL, विच मीन्स यू हैव टू एक्चुअली फोर्स द सिस्टम टू कम डाउन, देन द स्क्रू इज सेल्फ लॉकिंग, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी रिलेशनशिप है कि अगर आपको TL अप्लाई करना पड़ रहा है, विच मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी फॉर अस, दिस मीन्स कि आपको सिस्टम को लोअर करने के लिए फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है एंड द सिस्टम इज एक्चुअली सेल्फ लॉकिंग विदाउट अ फोर्स। बट अगर ये नेगेटिव क्वांटिटी निकल के आती है, दिस मीन्स इफ यू हैव जीरो TL, देन सिस्टम विल कम डाउन ऑन सो, ठीक है। अब नेगेटिव TL के लिए कंडीशन क्या है? नेगेटिव TL के लिए कंडीशन ये है कि ये न्यूमिनेटर नेगेटिव हो, इसके अलावा कोई और चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती, नथिंग एल्स कैन बी नेगेटिव। द फोर्स इज ऑलवेज गोइंग टू एक्ट डाउन बिकॉज लोड है, सही है। DM इज अ पॉजिटिव डायमेंशन, फ्रिक्शन इज जस्ट अ क्वांटिटी, इज जस्ट अ कोफिशियंट, इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी। लीड इज अ पॉजिटिव मेजरमेंट, इट्स अ डायमेंशन, इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। द ओनली थिंग दैट कैन बी नेगेटिव इज दिस एक्सप्रेशन ऑन टॉप इन द न्यूमिनेटर। ये एक्सप्रेशन के नेगेटिव होने का मतलब ये है कि इफ दिस थिंग इज, अगर ये नेगेटिव होगी तो सिस्टम आपका सेल्फ लॉकिंग नहीं होगा। तो अगर सिस्टम को सेल्फ लॉकिंग बनाना है तो दिस थिंग नीड्स टू बी ग्रेटर देन जीरो। अगर ये ज्यादा है जीरो से, दिस क्वांटिटी बिकम्स पॉजिटिव, TL बिकम्स पॉजिटिव। तो सेल्फ लॉकिंग कंडीशन बिकम्स πfdm, L उठा के दूसरी तरफ ले जाए, πfdm शुड बी ग्रेटर देन योर लीड, ठीक है। पाई डी एम को भी दूसरी तरफ डिवाइड करा दीजिए, सही है। पाई डी एम को दूसरी तरफ डिवाइड करा दिया, एफ कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन एल डिवाइडेड बाय पाई डी एम। इसमें हमारे पास फिर से वही, हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन आ गई। इंक्लाइंड प्लेन में हमारे पास रिलेशनशिप आ रही थी टेंजेंट लैम्डा इज इक्वल्स टू एल अपॉन पाई डी एम। तो वी कैन रिप्लेस दिस थिंग विद टेंजेंट एंड वी गेट अ रिलेशनशिप फॉर सेल्फ लॉकिंग which is actually very very good। अब इसकी जो है ना significance है, and I want you to think about this for a minute। If you want to pause this video, pause it and think about this। We do not actually have a lot of dimensions in them, in this relationship। कोई force नहीं है, we only have the coefficient of static friction and we only have the lead angle। These are the only two quantities here and we need to play with them in order to make sure the system is self-locked। फ्रिक्शन टेंजेंट लैम्डा से बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब अगर आपने सिस्टम में बहुत ज़्यादा लुब्रिकेशन कर दी, इवन देन इट इज़ पॉसिबल कि आपके सिस्टम सेल्फ लॉकिंग ना रहे, क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशियंट कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने सिस्टम में लीड एंगल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तब भी आपका सिस्टम सेल्फ लॉकिंग नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस मैटर्स एंड एग्जाम्पल विल कम अप in the next recorded lecture which I'll upload in the same sequence before Monday's class। us example ke andar we'll actually talk about this thing as well ke hum kaise is self locking condition ke sath play kar sakte, theek hai। we'll talk about this in detail। final thing in this particular lecture is ke humne power screw ki efficiency ki baat karni hai। efficiency hum kis sense mein bol rahe hain? bol rahe hain ki hame लोड को लिफ्ट करने के लिए कितना लोड लगाना पड़ रहा है, और अगर फ्रिक्शन सिस्टम में ना हो, यानी कि मैं ये फ्रिक्शन यहाँ से और यहाँ से फ्रिक्शन को रिमूव कर दूँ,
तो मेरे पास एक आइडियल टॉर्क आएगा विच विल कॉल टी नॉट. सो द रेशियो द एफिशिएंसी फॉर अस इज टी आर डिवाइडेड बाई टी नॉट. तो दिस इज वॉट आवर एफिशिएंसी इज. तो अगर मैं सिस्टम में से फ्रैक्शन को ख़त्म कर दूंगा तो दिस टर्म गोज अवे, दिस टर्म गोज अवे. आई ओनली हैव एल अपॉन पाई डी एम हेयर. डी एम से डी एम कैंसिल हो जाएगा. आई एंड अप विद एफ एल अपॉन टू पाई. तो द आइडियल टॉर्क, दिस इज द आइडियल टॉर्क फॉर अस. दिस इज द बेयर मिनिमम टॉर्क नीडेड टू लिफ्ट द लोड. दैट्स इट. सही है. इसका मैं अगर रेशियो ले लूं टी आर के साथ, सही है, दैट बिकम्स अवर एफिशिएंसी. आई एक्चुअली रोट इट ऑपोजिट बिकॉज टी आर छोटा, टी आर ज्यादा होगा ना, टी नॉट विल बी अ स्मॉलर क्वांटिटी. तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू एक्चुअली रिवर्स दिस थिंग. दिस थिंग शुड बी टी नॉट अपॉन टी आर सो दैट दिस कम्स आउट टू बी एक्चुअली अ नंबर लेस देन वन. एफिशिएंसी ये बात हो रही है ना. तो टी नॉट अपॉन टी आर की बात हो रही है. टी नॉट इसके अंदर प्लग इन कर दिया एंड वी हैव एफ एल अपॉन टू पाई डिवाइडेड बाई टी आर. टी आर इज दिस एंटायर थिंग इज टी आर. तो टी आर हमें कैलकुलेट करके इसके अंदर प्लग इन करना पड़ेगा. सही. तो विल डील विद दैट एज वेल. अच्छा अब विल स्टॉप हियर. ठीक है. एंड वट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर विच आई अपलोड इंशाल्लाह बिफोर मंडे एज वेल. उसके अंदर विल स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी वेरी बेसिक एग्जाम्पल्स विच एक्चुअली बिल्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट सेट वी जस्ट डेवलप. ठीक है. तो विल वेरी बेसिक एग्जाम्पल ऑफ पावर स्क्रूज वी गोइंग टॉक अबाउट इट. वी गोइंग टू सी हाउ वी कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम कंसिडरिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट एंड यू विल फाइंड कि डेरिवेशन वॉज एक्चुअली नॉट ईजी. ठीक है. आई एग्री विद दैट. ऑल्दो वी आर जस्ट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक्स बट the derivation itself is not very important for us. What is important is the concepts that we have developed. हमने जो procedure follow किया था कि एक inclined plane बनाई, उस inclined plane के ऊपर हमने summation fx summation fy लगा के we found out forces and from the forces we actually find out the torques. और torques की जो relationship है we will be able to use them directly. ठीक है. हम लोगों को बहुत ज़्यादा उस पर working नहीं करनी पड़ेगी, बार बार derive नहीं करना पड़ेगा. The formulas we will be able to use them directly, so that's a good thing. ठीक है. तो if you understand how the formulas are coming up, that's good enough. You do not need to practice to re-derive these things. Just need to understand that these relationships are there. You need to know what the terms are. हर एक के अंदर क्या terms आ रही हैं और efficiency actually किन दो parameters के बीच में है. Self-locking condition को detail में समझने की कोशिश करें. Get that. And then we'll start off in the next recorded lecture with an example and we'll build on this concept a little bit more. जिसमें हम लोग एक additional factor की बात करेंगे. I'm not going to talk about this right now, but एक और additional friction factor introduce करेंगे system में which is going to just add on to this and we're going to build on that. ठीक है. तो let's end this here and inshallah I'm going to upload the next recorded lecture as well with this. So thank you very much. Assalamu alaikum.